नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी, मैं हूं आपके साथ नफीसा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 31वां दिन महिला पहलवानों का, लेकिन आज एक महीना भी हो गया, ठीक 23 अप्रैल, आज के ठीक एक महीने पहले महिला पहलवान यहां दिल्ली के जंतर मंतर धरने पर आई थी, और आज है 23 मई, आज कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ जुट चुके हैं। आपको नजारा दिखा देती हूँ जंतर मंतर का। अंदर मंच सजा है, लोग तैयार है, एकजुट हो चुके हैं। महिला पहलवानों की मांग है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे में जो समर्थक है उनसे बातचीत करते हैं। खाप पंचायतों का भी समर्थन इन लोगों को लगातार मिल रहा है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आज 23 मई है, कैंडल मार्च भी है, लेकिन एक महीना भी पूरा हो चुका, कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? लड़ाई सरकार करती जी तनाशाही कर रही है जी। और अपना ये मोदी है ना जी, लड़कियों बारे बिल्कुल सोच रहा है। अगर दूसरी पार्टी का होता उसको अंदर कर देता, जैसे दिल्ली में किया मनीष सिसोदिया, अरे एक और था वो नाम उसका, एक और उनको अंदर कर दिया। अरे अपना ये छोड़ रहा क्या न्यू गल, इसका अगर गलत तो बढ़िया और करा गलत, और इसको अंदर क्यों नहीं करता जी? एक महीना हो गया। मांग ये है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो, अंदर वहाँ जी अंदर जेल में गिरफ्तारी, जेल के अंदर थी ये, पकड़े छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे? छोटा फायदा क्या हुआ पकड़ के अंदर? और यहाँ से क्या महिला लोग जुड़ चुके हैं, कैंडल मार्च निकाला जाएगा सर, कैंडल मार्च से पहले आज 31वां दिन, कैसे देख रहे हैं कि धरना किस ओर बढ़ रहा है? देखिए एक बात समझिए, इस तिरंगे के तीन रंग हैं, एक है केसरी, एक सफ़ेद और एक हरा। केसरी रंग है विश्वास का, सफ़ेद रंग है शांति का, और हरा रंग है प्रकृति का। जो बीच में नीला गोला दिखा रहा है वो हमारे जो प्राथमिक सदस्य हैं, जो सिटीजन हैं, जो हमारे दलित भाई हैं, उनका नीला कलर है। ये चारों यहाँ खड़े हैं, केसरी भी आपको दिखेगा, सफ़ेद भी दिखेगा, नीला भी दिखेगा और हरा भी दिखेगा। यही हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, यही हिंदुस्तान की मोहब्बत है, यही हिंदुस्तान का प्यार है। ये सब आज पहलवानों के साथ खड़े हैं और एक ही स्वर में कह रहे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह यौन शोषण का अपराधी है, उसको तुरंत तौर पर गिरफ्तार कराया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये जनता इस सरकार को ये बता देगी कि ये सरकार आने वाले समय में बचेगी नहीं। अरे सर, मोमबत्ती हाथों में लिए हुए हैं चाचा, कैंडल मार्च करने जा रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? पूरी मेहनत करेंगे, बच्चों के साथ हैं। बच्चों के साथ हैं? हाँ जी। ब्रिजभूषण भी कह रहे हैं कि ना को टेस्ट करा ले, करवा लो, जो जो बच्चे झूठ ना बोलते हमारे, हम बच्चों के साथ हैं। जैसे को जलाकर किसको जगाना चाहते हैं आप? किसको? गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं, धरने पे बैठे हैं हम, एक महीने जो सड़क पे बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, गवर्नमेंट को दिख नहीं रही है बड़ी बच्चियां। दी तो हम सुख आए के कहते नहीं, कहनी चाहिए ही नहीं आ रही गवर्नमेंट, कैसे आप आएगी है? अब आएगी ये तो वो जाने आए ना आए, ये तो हम जाने, हम बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, एक तरीके से गवर्नमेंट को जगाने का भी काम कर रहे हैं। हम बातचीत करते हैं सर से, क्या लग रहा है, लड़ाई तो बढ़ चुकी है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि नाको टेस्ट करा लिया जाए, उधर ये भी सवाल कर रहे हैं कि इसके पीछे शक्तियाँ कौन सी है, यानी कि धरना खुद से किया हुआ नहीं है। देखिए ब्रिजभूषण गोदी मीडिया के माध्यम से देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक नार्को टेस्ट की बात है तो पहलवानों ने एक महीने पहले ये बात कह दी थी, अब वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मीडिया ब्रिजभूषण को इस तरह से पेश कर रहा है जैसे वो कितना बड़ा आदमी है, वो एक आरोपी है। ठीक, नार्को के लिए सब तैयार हैं, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि पूरे देश के सामने लाइव होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, तैयार हैं। लेकिन ब्रिजभूषण कहीं ऐसा ना कहने लगे, अभी अगला स्टेटमेंट ये ना आ जाए कि इस आंदोलन में जितने लोग आ रहे हैं सबका नार्को टेस्ट करवाओ। ब्रिजभूषण की मत सुनिएगा आप सुनिए जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिनका यौन शोषण हुआ है, आप समझ रहे हैं। सरकार पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे कि कैंडल जला के आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, आप कह रहे हैं कि कैंडल जलाएंगे, इंडिया गेट तक जाएंगे, मार्च निकालेंगे, इससे क्या हासिल होगा? मैं बता दूं कि इससे ये हासिल होगा, हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, जब जब हिंदुस्तान में न्याय के प्रकाश पर, न्याय की रोशनी पर अंधेरे के बादल छाएंगे, हम हिंदुस्तानी अपनी जान की कुर्बानी भी लगाकर इस देश में न्याय को जिंदा रखेंगे, न्याय की रोशनी को जिंदा रखेंगे। क्योंकि आज दुनिया पूछ रही है कि हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जब पॉक्सो में एफआईआर होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता, तो हिंदुस्तान में एक आम आदमी को न्याय कैसे मिलता?
मिलेगा। हिंदुस्तान में गए हुए एक बाहर से आदमी आता है, टूरिस्ट है, उसको न्याय कहाँ से मिलेगा। आज तीन लड़ाई है, पहली लड़ाई है कि इन बच्चियों को न्याय मिले, दूसरी लड़ाई है कि हिंदुस्तान में आम आदमी के दिलों में कानून में विश्वास जिंदा रहे, और आम आदमी का जब शोषण हो तो वो सीना ठोक के कह सके कि इस देश में मुझे न्याय मिलेगा, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं सरकार के पास जाऊंगा। और यदि इन बच्चियों को न्याय नहीं मिला तो मेरे देश की आधी आबादी शांत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? सहम जाएगी। आज हर माँ अपने घर में सहमी हुई है कि मैं अपनी बेटियों को जब स्कूल भेजूंगी, कॉलेज भेजूंगी, मैं भी दो बेटियों का पिता हूँ, कि जब मेरी बेटियाँ अपने सपनों को उड़ान भरने की कोशिश करेंगी तो कहीं कोई दिमाग में भय ना आ जाए कि कोई ब्रजभूषण जैसा मेरी बेटियों पर बदचलन नजर ना डाल दे। तो सच्चाई ये है कि ये लड़ाई है न्याय को जिंदा रखने की, भारत में कानून को जिंदा रखने की और बेटियों को न्याय दिलाने की। पहले काला दिवस मनाया गया, कैंडल मार्च जंतर मंतर पर निकाला गया, लेकिन अब बड़ी संख्या में कैंडल मार्च निकालने की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, कोशिश तो जारी रखनी चाहिए, वरना ये सरकार जो है अपने राजनीतिक लाभानुसार हर बातों को परिभाषित करती है। एक छोटी सी कविता है चार पांच लाइन की, जो अपराधी इस सरकार के दरबारी बन जाते हैं, जो अपराधी इस सरकार के दरबारी बन जाते हैं वो रातों रात अद्भुत चमत्कारी बन जाते हैं, वो रातों रात अद्भुत चमत्कारी बन जाते हैं, जो उपद्रवी हैं वो तो क्रांतिकारी बन जाते हैं, और जो बलात्कारी हैं वो संस्कारी बन जाते हैं। ये सरकार का परिभाषा ये बिल्कुल अलग है, और ये मामूली सी बातों में मानने वाली नहीं है। इस सरकार को सही इंसाफ दिलवाने के लिए, इंसाफ मनवाने के लिए इस तरह के काम की ज़रूरत है, इसीलिए हम इन बेटियों के जो लड़ाई में यहाँ समर्थन देने के लिए आए। क्या लग रहा है कि कितनी उम्मीद है आज आपको कि बड़ी संख्या में लोग आपसे जुड़े? देखिए, पहले से जो किया जाता है, जैसे कि शाहीनबाग का आंदोलन हुआ, वो 100 से ज़्यादा दिन बैठी रहीं, उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज़्यादा लोग जान गंवा कर फिर जाकर मनवा पाए, और अब देखिए इसमें ये तो लंबी चलेगी, और अब सरकार कब इस पर जो है इंसाफ दे, इस बात का इंतजार रहेगा, वरना ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही जो है खतरनाक मामला है। जबकि बेटियां सड़क पर बैठकर ये गुहार लगा रही हैं, इज्जत मांग रही हैं, अपने हक के लिए इंसाफ मांग रही हैं, उनका यौन शोषण हुआ है, इससे और गंभीर अपराध और क्या हो सकता है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। हम सोचते हैं कि हो सकता है कि सरकार को सही अकल आए और वो इंसाफ देने में कामयाब हों। सुदेश जी भी जुड़ चुकी हैं, आप तो पहले दिन से धरने पर देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि 31 दिन बाद ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ चुकी है? देखिए, जब तक मैं ये कहूँगी कि देश का बच्चा बच्चा जाग चुका है, और सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगी, जितना जल्दी हो सके बृजभूषण को गिरफ्तार करें। उसी में सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि एक बलात्कारी के साथ क्यों खड़ी है, क्यों खड़ी है सरकार बलात्कारी के साथ? पुलिस प्रशासन की ओर किस तरह से ये सुविधा दी गई है, बस में यहाँ से जो समर्थक हैं पहलवानों के, पहलवान इसमें बैठकर जाएंगे, इंडिया गेट की ओर बढ़ेंगे, हाथों में तिरंगे, उसके बाद शाम को करीब 5-6 बजे के आसपास ये लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, और सीधी कोशिश यही है कि जब 31वां दिन आज धरने को हो जाता है तो सरकार, जिसकी अभी तक कोई टिप्पणी या किसी तरीके का आश्वासन नहीं पहलवानों को मिलता, उसको जगाने की एक तरीके से पूरी कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर से, फिलहाल के दीजिए इजाजत।